Okay, in this lecture we will discuss about motion of charged particle either in electric field or in magnetic field or in electromagnetic field. ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक ये है जो इसका सब पार्ट है, सब कंटेंट, दैट इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन कैन मूव आइदर इन अ डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. तो अगर वो फील्ड के साथ जा रहे हैं तो उसका इक्वेशन क्या होगा, और अगर वो फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे तो उसका इक्वेशन क्या होगा. यहाँ पे क्या कैसा पाथ होगा, किस तरीके से उसमें वेलोसिटी, क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है कंटिन्यूअसली, सो डेफिनेटली देयर विल बी सम एक्सेलरेशन. तो वो एक्सेलरेट करके पार्टिकल को किस टाइम में किस पोजीशन पे ले जाएगा, ये हमारा आज का इस टॉपिक का डिस्कशन होगा. ओके, कीप रिमेंबर वी हैव टू स्टडी हियर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड एंड देन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो यहाँ पे क्या है, चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें भी हमारे पास दो केस हैं. When charged particle is moving in the direction of electric field, case 1. क्या है, When charged particle is moving in direction of electric field. अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है चार्ज पार्टिकल, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी बात होगी. ओके, तो देखते हैं, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है एंड सपोज देयर इज एनी चार्ज पार्टिकल क्यू. ठीक है, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन डेफिनेटली यू पीपल आर नोइंग वेरी वेल कि जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है यहाँ पे क्यू पे, इधर फोर्स लग रहा है, आपको पता है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता. ठीक है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो रहा है कि अगर आपने चार्ज पार्टिकल को रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का लिए तो क्या होगा, वो इस तरीके से मूव करेगा. ओके, मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ ई, यहां पे हम इन डायरेक्शन की बात करें, दैट मीन्स आई हैव टेकन हियर पॉजिटिव चार्ज. सो व्हाट इज योर एफ, एफ इज इक्वल टू क्यू इनटू ई, दिस इज अ फोर्स जनरेटेड ओवर हियर जिसको हम कहेंगे दिस इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू इनटू ई. इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, एम डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्यू ई, और वी कैन राइट डीवी इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम इंटू डी टी. ओके, तो यहां पे क्या हो गया, आपका वेरिएबल वी और टी में आपको मिला. सो नाउ इफ यू विल इंटीग्रेट तो आपको क्या मिलेगा कि इनिशियल लिमिट से इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में या कुछ डिफरेंट टाइम इंटरवल में उसका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ. तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड व्हाट विल यू गेट, v इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम इनटू टी प्लस सी. अच्छा, आप देख सकते हो कि दिस इज एन इक्वेशन ऑफ लाइन, v इज इक्वल टू, v इज अ वेरिएबल, क्यू इज अ कॉन्स्टेंट, ई इज अ कॉन्स्टेंट एंड एम इज अ कॉन्स्टेंट. फॉर द कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड What will be your equation? Is it representing in this form y is equal to m x plus c? तो इसका ग्राफ कैसा होता है कि अगर ये y है, ये x है, ये इसका ग्राफ हो गया y is equal to x plus c. मतलब मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो रिलेशन होगा वो इसी तरफ होगा, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है. ठीक है, तो t is equal to zero पे यहाँ पे लेकर के इस तरीके से हम इसको लेकर के चले. मीन दिस ओनली आई वाज रिप्रेजेंटिंग व्हाट इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट. नाउ फर्दर वी कैन से एट टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप देख रहे हो जब टी इज इक्वल टू जीरो है तो ये वी जीरो नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ वी कैन सी वेरी इजली. तो लेट टी इज इक्वल टू जीरो हियर इन दिस केस आई हैव टू कैलकुलेट एक्चुअली वैल्यू ऑफ सी.
So let me assume that when t was 0, if velocity is 0, okay, ये x axis की value यहाँ पे ये v 0 कर दिया हमने, t 0 है, ठीक, तो हमें c की value actually निकालनी है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे यहाँ पे, then c is equal to at t is equal to 0, v is equal to v something, then c is equal to यहाँ पे आपका हो जाएगा v. Okay, एक मिनट. ठीक है, c is equal to let the initial velocity at t is equal to v is equal to v naught. तो c की वैल्यू भी आपकी कितनी हो गई, v naught. This is the initial velocity here representing this is v naught. ठीक है, तो अब अगर हम इसको यहाँ पे इस वैल्यू को रखें तो हमें क्या मिलेगा, v is equal to q e upon m into t plus v naught. Or we can say v minus v naught upon q e upon m is equal to t. तो ये आपको एक एक्सप्रेशन मिला. ठीक है, फर्दर आप क्या कर सकते हो, आप v को क्या लिखोगे, dr upon dt. तो अगर हम इसको dr upon dt लिखें तो dr upon dt is equal to q e upon m t plus v naught. ओके, तो यहां से dr की क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, dr is equal to q e upon m और t of dt plus v naught of dt. Now we have to integrate this term also. तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पोजीशन मिलेगी r is equal to q e upon m और ये हो गया आपका t square upon 2, okay, plus v naught और ये क्या हो जाएगा t. ठीक है, so this is the relation between r and t, whereas this is the relation between v and t. जैसे कि हम लोग normally Newton's equation of motion को हम solve करते हैं. Okay, now at t is equal to 0 and t is equal to 0, जो उसका displacement है वो कितना हो गया आपका 0, तो यहाँ पे हम एक constant c 1 add करते हैं. तो t is equal to 0, this r is also equal to 0. Then vector r is equal to q e. So this implies that your c1 is equal to 0. Therefore finally your r is equal to, vector r is equal to q e upon m into t square upon 2. This is your result. ठीक है, तो आपके पास r का रिजल्ट है, वेलोसिटी का रिजल्ट है और ये f is equal to qe, ये एक आपके पास रिजल्ट है. Now we have to calculate the energy associated या फिर work done. तो work done के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, force into displacement. तो next line में लिखिए work done is equal to vector f dot dl. What is force here? Force is qe. ठीक है, और dl कितने उसमें वो डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, या आप qe के जगह m वेक्टर a डॉट dl कर सकती हैं क्योंकि उसमें आपको रिलेशन मिल सकता है. तो वेक्टर a, व्हाट इज वेक्टर a, दिस इज qe अपॉन m. ओके, तो f इज इक्वल टू qe डॉट dl. ओके, F is equal to QE dot DL. ये हो गया आपका work done. एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया, W is equal to Q vector E dot DL. Vector A dot DL, if I write from here, if I want to calculate it, then I will write from here. What is A here? A is equal to dV by dt. So, if I have to calculate the same, तो कैसे कर सकते हैं? Okay, so now W is equal to QE dot DL or MA dot DL. तो further हम W को क्या लिख सकते हैं? W is equal to M
वेक्टर ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी एंड व्हाट कैन आई राइट फॉर द डीएल बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन तो डॉट बी आपका हट गया यहाँ पे एंड डीएल इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम सो लेट दिस स्पीड बी वी एंड दिस इज डीटी तो ये आपका कैंसिल हो गया और डब्ल्यू आपको कितना मिला एम वी डी वी फ्रॉम द लिमिट यू टू वी तो आपको यहां से डब्ल्यू क्या मिल जाएगा एम वी यू स्क्वेयर अपॉन टू इसका मतलब वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन टू ठीक है विच इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इन अ बॉडी ठीक है तो ये सारी चीजें आपने कर रखी है आपको आती होगी ओके और यहां से एक और फॉर्मूला डब्ल्यू का मैं आपको बता दूं सिंस ई डॉट डी एल इज नोन एज वी एक और पार्ट है इसका सिंस वेक्टर ई डॉट डी एल इज इक्वल टू वी तो डब्ल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू इन टू वी तो ये फॉर्मूला आपका निकल के यहां पे आता है ये आप लोग इससे फैमिलियर है मुझे बहुत अच्छे से पता है ठीक है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन पार्टिकल कम्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू ई ठीक है When charged particle is moving perpendicular to electric field, ठीक है तो अगर electric field के perpendicular हो जा रहे उस केस में क्या होगा कि electric field की direction ऐसी है and charge, suppose positive charge I'm talking about, which is going perpendicular, तो जब वो perpendicular V से जा रहा है ठीक है तो वहां पर क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर है सो यू पीपल आर नोइंग इन दिस केस वन फोर्स विल एक्ट ऑन दिस चार्ज दैट फोर्स फॉर्मूला इज एफ इज इक्वल टू इन दिस सिचुएशन क्यू वेक्टर वी क्रॉस बी मैं हमेशा कहती हूं कि आप इसको सही नोटेशन में लिखें तो एफ इज इक्वल टू ए वेट 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 ये तो मैग्नेटिक फील्ड का है ठीक है तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ये इसके परपेंडिकुलर जा रहा है तो परपेंडिकुलर जाने पे क्या होगा कि इसको जाना इधर है इस पे फोर्स इधर लग रहा लेकिन ये जा इधर रहा तो ये दोनों में से कहीं ना जाकर के ऐसे बीच के पाथ पे डेविएट हो जाएगा ठीक है मतलब मैं अगर इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो आपने देखा होगा कुछ एक्सपेरिमेंट्स में कि ये पॉजिटिव चार्ज की एक प्लेट है ये नेगेटिव चार्ज की एक प्लेट है ठीक है अब दिस इज हायर दिस इज लोअर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ हो गई अब मैं एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहां से भेज रही हूं ठीक तो यहां से भेजेंगे तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा रिपल करेगा नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस पे फोर्स ऐसे समझो आप कि फोर्स नीचे लग रहा है ये ऐसे जा रहा है तो ये दोनों में ना जाकर के किसद किधर जाएगा ये थोड़ी दूर सीधे जाने के बाद ऐसे जाएगा सो दिस इज द डेविएशन ये क्या है ये उसका डेविएशन है कि वो कितना पाथ यहाँ पे डेविएट किया है तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं व्हाट इज डेविएशन एक्चुअली डेविएशन इज द डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन इफ आई कंसिडर दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन ओरिजिन पे ठीक है तो ये क्या है दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन मतलब आई शुड यूज दिस फॉर्मूला वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर ठीक है तो अगर हम इसको यूज करते हैं यहां पे तो आप देखो यहां पे कि आपको क्या लिखोगी कि फोर्स इज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू क्यू इन टू ई ठीक है नाउ आई कैन राइट दिस हियर एक्सेलरेशन टू वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू क्यू इन टू ई अपॉन एम इन टाइम टी डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज ये जो डेविएशन है वाई
इज इक्वल टू यू बाई टी, लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी जीरो, तो 1/2 ए बाई टी स्क्वायर, तो वाई आपको कितना मिलेगा, हाफ ए वाई मीन्स क्यू ई अपॉन एम इंटू टी का स्क्वायर. ठीक है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम. नाउ अगर ये आपको निकालना है कि यहां से यहां एक्स पे कितना गया, y का तो क्लियर है आपने ऐसे निकाल लिया, अगर x एक्सिस पे निकालना है तो क्या वैल्यू होगी, vx इनटू t. जैसे आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आप अप्लाई करते हैं वैसे सिंपली, बस यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस फील्ड है, बाकी सारी सिचुएशन आपकी सेम है. तो जब आप इसको लिखोगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इसके बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, इसको यहां पे रख दो तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई अपॉन एम और t की जगह क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन वी एक्स का स्क्वायर. ठीक है, तो ये y वी एक्स और x के बीच में आपको जो रिलेशन मिल रहा है इसमें आप क्या लिखोगे, ये एक इनिशियल वेलोसिटी आपकी कॉन्स्टेंट है, दिस इज अ मैग्नीट्यूड, तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, हाफ क्यू ई अपॉन एम और t इज इक्वल टू, ओके सो हियर वी एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, या x की जगह पे लिख दें वी एक्स, हाँ x की जगह पे अगर हम वी एक्स इंटू टी लिखें तो कोई मतलब नहीं है, तो x की वी एक्स की जगह पे लिख देते x स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा तो ये आपका बचेगा एक्स स्क्वायर पहले से है, वी एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल और ये होगा आपका इक्वेशन. ठीक है, आई थिंक समथिंग इज देयर, कुछ है जो फंस रहा है, टी स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है, एक्स अपॉन वी एक्स, एक्स अपॉन वी एक्स का स्क्वायर. तो फायदा क्या हुआ यहां पे तक करने का, नहीं यही हमारा एक्सप्रेशन है, दिस इज ओनली माय एक्सप्रेशन y is equal to half qe upon m x square upon vx square. तो यहां से हम x square और y के बीच में रिलेशन लिख सकते हैं कि x square is equal to 2m vx square upon qe into y. तो यहां पे वेरिएबल क्या है आपका, x square और y वेरिएबल है, vx आपका वेलोसिटी कॉन्स्टेंट इनिशियल वेलोसिटी है, इन दैट एक्सटारेशन आपको पता है कि जब कोई पैराबोलिक पाथ होता है तो जो यूएक्स होता है वो आपका कॉन्स्टेंट होता है क्योंकि वहां पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो जो कॉम्पोनेंट उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है यू कॉस थीटा दैट रिमेन कॉन्स्टेंट जब तक कि वो वापस जमीन पे नहीं आता है, वैसे तो इस नाते ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गया और आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया. मतलब एक्स स्क्वायर और वाई के बीच में जो शेप होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा. ठीक है, पैराबोलिक, अगर मैं इसको उल्टा करती यहां प्लस यहां माइनस तो वो आपका इस तरीके से जाता. ठीक है, नाउ इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट, अगर ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये एंगल अगर हमको निकालना है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, tan theta is equal to y upon x. Now you are knowing value of y, value of x. Put the value, get the answer. So value of y आपका कितना है? Value of y आपका है x square. किसी भी टर्म में हम रख सकते हैं half qe qe t square upon m और x आपका हो जाएगा vx t. ठीक है, टी टी कैंसिल हो गया और आपको टैन थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया, क्यू ई टू एम टी
और ये हो गया Vx, ठीक है। T को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी चीज से, जैसी जरूरत हो इक्वेशंस के बीच में आप खेल सकते हैं पूरा, कि tan थीटा की वैल्यू वाई वाई और x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो जैसी वैल्यू थी उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ओके ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, फॉर दैट यू वेट। नाउ लेट्स रीड अबाउट द न्यू टॉपिक, दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमें किसके बारे में पढ़ना है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे तो हमारे पास दो केस थे, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, लेकिन उसमें ऐसा कोई केस नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। आपको पता है, इतना मैंने आपको बायो सेवर्ट लॉ में मैंने बार बार आपको ये बताया है कि अगर कोई करंट फ्लो कर रही है तो उसकी राइट में क्रॉस लेफ्ट में डॉट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर कोई सर्कल में करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, नहीं इसका मतलब मैं ऐसे नहीं बताना चाहूंगी। मान लीजिए किसी इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो जो लूप रहेगी उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस कैसे होगी, I कहाँ है आपका, सपोज Z डायरेक्शन के अलोंग है, तो B आपका किस में है, इंक्रीजिंग फाई है ना, क्योंकि ये इधर से क्रॉस करेगा और इधर से निकलेगा तो ये क्या होगा, इधर से इंक्रीज कर रहा है। इन द सेम वे आई कैन सी दैट इफ करंट इज कमिंग डाउनवर्ड इन द नेगेटिव Z डायरेक्शन, तो अगर हम कोई लूप बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, और तो लूप में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी इस ये नीचे आ रहा है तो इसका राइट इधर आया, ये राइट है ये साइड, तो ये राइट मतलब ये क्रॉस यहां से अंदर और इधर से बाहर, ये मतलब डॉट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई इफ माइनस ऑफ जेड देन बी इज माइनस ऑफ आई कैप, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सेम सिचुएशन ऐसे होगा कि अगर किसी लूप में वाइस वर्सा वी कैन से दैट इफ करंट इज फ्लोइंग इन अ लूप इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, ये फाई एंगल पे अगर कोई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, therefore vector B is in direction of plus Z, ठीक है, इसमें ये therefore, इसमें नहीं, if B is flowing in this direction, B अगर ऐसे है तो current आपका plus Z में होगा, ये therefore होगा। इसी तरीके से यहां पे भी आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये आपके नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही हो, मतलब इस तरह से ये एरो, यहाँ पे ये एरो ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ये नीचे की तरफ है, तो मतलब अगर आपका इफ सिंस बी इज इन नेगेटिव ऑफ फाई तो जो करंट यहाँ पे जिसकी वजह से ये इफेक्ट आ रहा होगा वो क्या है कि करंट आपका नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर होना चाहिए इसका पिक्चर। अब बात करते हैं कि इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सो सपोज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड विद अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस
उसमें कोई चार्ज पार्टिकल को उसमें अंदर वो करें तो उसमें क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों फोर्स लगेगा इस पे? देखिए, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज QE, बट फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर F। ठीक है, तो मैं कह रही हूं कि मैग्नेटिक फील्ड, आई एम नॉट ड्रॉइंग दिस वन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए कि Z है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी Z है और वेलोसिटी इसकी क्या है, ये इधर से कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है X में। ठीक है, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? फोर्स का डायरेक्शन आपका आएगा V क्रॉस B, मीन्स X क्रॉस Z। तो X क्रॉस Z का जो डायरेक्शन होगा वो कितना होगा? माइनस ऑफ Y कैप। मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो माइनस ऑफ Y कैप लगेगा। तो चार्ज पार्टिकल ये अगर Z डायरेक्शन के अलावा, अंदर को मैं Z मान रही हूं, इसको मैं X कह रही, इसको Y कह रही, अंदर को Z अगर मैं कह रही हूं, उस केस में क्या होगा कि ये नेगेटिव y की तरफ, बाहर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा और ये बाहर की तरफ फोर्स लगने की वजह से ये एक सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे ऐसे मूव करेगा। सो इसका जो ट्रैक होगा वो एक सर्कल होगा। उस केस में आप क्या लिखते हो कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कोलंबियन, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, Q V क्रॉस B इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन R, या फिर आप लिखोगे V V क्रॉस B, तो V B साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन R, एंड डेफिनेटली इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे थे वहां पे सारी चीजें सेम थी फॉर द पार्टिकल अंडर द ग्रेविटी, बस वहां पे ए की वैल्यू आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू सॉरी फील्ड आपकी निकली वो आपको यूज करी थी। जब आप मैग्नेटिक फील्ड में आते हो वहां पे दिस फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द समहाउ सिमिलर टू सेंट्रीपेटल फोर्स, तो सेंट्रीपेटल फोर्स का जो भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो सारे यहाँ पे आपका कैंसिल हुआ और आपको V इज इक्वल एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू एम वी अपॉन आर क्यू, एम वी अपॉन क्यू आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला। नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन डेफिनेटली B इज इक्वल टू mv upon qr for theta is equal to 90 degree, that is the maximum value over here. ठीक है, momentum r is equal to mv upon qb, यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि r is equal to mv upon qb, momentum भी आप लिख सकते हो, p is equal to mv, kinetic energy भी लिख सकते हो half m V square, तो सारी चीजें आप यहां से लिख सकते हो, बस आपको यहाँ पे ये कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, वी कैन राइट वन क्वेश्चन ओवर हियर, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं क्योंकि ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। A neutron, a proton, and electron
Our particle centers a region. Our particles. Oh, now my hand is paining. Our particles enters a region of constant magnetic field. Enters a region of constant magnetic field. I'm going to write B only, my hand is paining now. Okay. With equal velocities. With equal velocity, the magnetic field is along the inward normal to the plane. The magnetic field is along inward normal to the plane with equal label the tracks of the particle. The tracks of particle. तो ये question है, ठीक है? Neutron का mass आपको क्या पता है? R is equal to mv upon qb, ठीक? तो आपको पता है कि सबकी velocity same है, neutron, proton और electron. Neutron भी तो कोई charge नहीं होता, ठीक है? तो वो सीधे निकल जाएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उनका जो चार्ज सेम होता है, बी भी सेम है, बस मास किसका ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन का मास ज्यादा होगा तो उसकी रेडियस ज्यादा होगी. तो अगर ये इस टाइप का डायग्राम यहाँ पे बन रखा है तो न्यूट्रॉन तो आपका ऐसा निकल गया, ये आपका ऐसे जाएगा, और प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिव, अगर ये ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे जाएगा, ठीक है? तो इसमें काफी कंफ्यूज जल्दबाजी में हो सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पाथ तो कम होगा, रेडियस कम होगा, बट डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगी क्योंकि दैट इज ऑफ नेगेटिव चार्ज. ओके, न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और प्रोटॉन का रेडियस भी ज्यादा होगा और ट्रैक भी दूसरी तरफ होगा, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या हो गए, फुल्के काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. नाउ what will happen when charged particle is in electromagnetic field? आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो electromagnetic field में कोई charge आ गया, electromagnetic field is already in three dimension. तो यहां पे देखिए, यहां पे इसको हमने लिखा in electromagnetic field. तो ये आपका हो गया यहां पे x y z. तो मान लीजिए ये प्रोपागेट कर रहा y डायरेक्शन में और वाइब्रेट कर रहा आपका z डायरेक्शन में. तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आपकी, अगर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी जो प्रोपागेट सेम डायरेक्शन में करेगी लेकिन वाइब्रेट अलग करेगी, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज आर परपेंडिकुलर टू इच अदर. अब यहां पे ऐसे देखें तो ऐसे आप मान सकते हो कि अगर बी आपका ऐसे लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है और इस बीच में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आए तो क्या होगा? तो इस बीच अगर कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर दोनों तरीके का फोर्स लगेगा. एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी. दिस इज ओनली नोन एज लॉरेंस फोर्स. ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है इसीलिए मैंने छोड़ रखा था कि ये बाद में भी पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप लोग ऐसे परेशान हो रहे थे, तब अच्छा ये है वो है. तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हल्की हल्की जो बहुत आसान सी थी बची हुई थी जो मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँ. दिस इज ओनली दिस वन. और इसमें जो भी पार्टिकल आएगा वो किस तरीके से मूव करेगा, इट विल फॉलो अ साइक्लॉइड. उसका जो पाथ होगा वो पाथ कैसा होगा? साइक्लॉइड. साइक्लॉइड मतलब ऐसे ऐसे ऐसे.
So this is the end of this part. Now one very small topic is left about Faraday's law. Now see, what is Faraday's law? You can write the statement, just write, complete your notes about Faraday's law. Okay, write it. डेफिनेटली वहां पे पोटेंशियल है, तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन फ्लक्स व्हाट एवर पोटेंशियल इज कमिंग दैट इज योर ईएमएफ. ओके, तो ईएमएफ को क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. ये माइनस साइन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अगर फ्लक्स में इंक्रीज करने की वजह से पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ईएमएफ हो रहा है, तो वो ईएमएफ ऐसा की वैल्यू कम होगी और जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो वो बढ़ेगा. ठीक है, तो यू कैन राइट योर स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू फैराडे, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. मुझे लिखने का मन नहीं कर रहा. ओके, मैं लिख देती हूँ. अकॉर्डिंग टू फैराडे, व्हेनेवर there is change in magnetic flux across the loop, whatever be the reason, across the loop, whatever be the reason, whatever be the reason, an induced EMF will generate an induced EMF will generate in a loop. Okay? इस पे क्वेश्चन करते वो क्वेश्चन हमें ज्यादा क्लियर होगा कि हमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये सब रूल्स आपको पता है, व्हाट इज फैराडे लॉ, दिस इज दैट. ठीक है, इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, सीधे उठा के किसकी बात है, क्या मतलब है, कैसा क्वेश्चन बनता है यहां से. अ मेटल बार ऑफ मास m, यू कैन राइट, आई डोंट वांट टू राइट नाउ. सो अ मेटल बार ऑफ मास m स्लाइड्स फ्रिक्शनलेसली on two parallel rails, on two parallel conducting rail, matlab two parallel conducting rail, a distance L apart, a resistor R is connected across the rails, and a uniform magnetic field vector B pointing inward fills the entire region. तो यहां पे ये रेल है, इससे हम ये मूव हो रहा है रेल्स के बीच में. ठीक है, यहां से पूरा सिस्टम बाहर, पूरा सिस्टम अंदर. ओके, नेक्स्ट, इफ द बार मूव्स टू द राइट एट अ स्पीड v, इफ द बार मूव्स राइट at the speed v, what is the current in the resistor? In what direction does it flow? Next part,
What is the magnetic force on the bar? What is the magnetic force in the bar? ठीक है, तो पहले तो हमें करंट निकालना है किसमें, कि what is the current in the resistor, in what direction does it flow? करंट में ये यहां पे हमें I की वैल्यू इसके लिए निकालनी है कि कितनी होगी. तो I के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, E. E का मतलब क्या है, यहां पे हमें d phi by dt निकालना है. ठीक है, आपको I चाहिए, I is equal to क्या होता है, V upon R. What is V over here? यहाँ पे I is equal to होगा आपका E upon R. और E क्या है आपका d phi by dt. और phi क्या है आपका d by dt of phi is equal to B into A. अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि B आपका कांस्टेंट है, तो B को बाहर करो, d by dt of A. ठीक है, तो इसका एरिया चेंज हो रहा है, कितना एरिया चेंज हो रहा है, ये लेंथ तो फिक्स है, मान लो कभी इसकी पोजीशन एक्स है और कुछ समय के बाद यहां पे इसकी पोजीशन ये ऐसे इधर आ गया, तो ये यहां पे डीएक्स हो गया. ठीक है, तो आपको हम यहां पे देख सकते हैं कि फाई आपका कितना था, बी ए था, या ऐसे देख लो कि फाई इज इक्वल टू बी एल इंटू एक्स. और फाई d phi कितना हो गया आपका, phi plus d phi हो गया आपका b l x plus phi plus d phi b l x plus b l t x. ठीक है, अब कितना चेंज हो रहा है, b l d x. तो यहां पे आप सीधे लिखोगे b l d x को आप क्या, d a by d t हो गया l d x, l dx upon dt. और dx upon dt इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, v इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है x, तो dx upon dt को हमने क्या बोला, v. ठीक है, तो I आपको कितना हो गया, b l v upon r, I induced नेगेटिव डायरेक्शन, ये आगे चल रहा है. ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में डाउनवर्ड होगी. ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द बार. मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा इस केस में, एफ इज इक्वल टू आई इंड्यूस्ड इनटू डी एल क्रॉस बी. ठीक है, तो डी एल क्रॉस बी इसका जो लेंथ है वो आपको यहां पर लिखना है, dl क्रॉस b आपका जो चेंज इन लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कितनी है. dl मतलब यहां पे आपका है dx से. ठीक, तो dx और b के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो ये आपका कितना हो गया, I induced dx मतलब इस डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है x और b. अगर ये लेंथ आपको गिवन हो तो आप इसको आराम से यहां पे निकाल सकते हैं. ओके, ओके, नो दिस वैल्यू विल बी सॉरी एल एल क्रॉस बी, हाँ यही लेंथ ऑफ दिस वन. ओके, ये चेंज और वो भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं. आई एल बी मैंने एक तरीके से उसको याद कर रखा है, इस केस में बिल दिस फोर्स इज बिल. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस आई इंड्यूस्ड एंड गिव द आंसर. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है जो आ जाते हैं. इससे ज्यादा तब तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, बाकी क्वेश्चंस कराएंगे आपको ईएमटी के प्रीवियस ईयर के, तो उसमें क्लियर हो जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं. ठीक है, ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ ईएमटी. ठीक है, इसमें पूरा सिलेबस कवर हो चुका है और जितने क्वेश्चंस आए हैं खासतौर पर उनको मैं पहले ही करा चुकी हूँ, जो जिसके लिए आप लोग इतना परेशान थे. आई डोंट नो आपने
सारे वीडियोस देखे कि नहीं देखे, बट उसके पहले ही आप लोग हाइपर होने लगे कि ईएमटी नहीं हुआ, ईएमटी नहीं हुआ। एक्चुअल में जो एक्चुअल ईएमटी आती है वो हो चुकी थी, ठीक है।